अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज़ डिजिटल के साथ, मैं हूं अमीर अहमद भट्ट जी। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं हाफिज़ाबाद के हलका NA67 में, जो पंजाब का सबसे बड़ा हलका है, जिसके वोटर की तादाद 8,10,723 है। आज हम हाफिज़ाबाद के अवाम से जानेंगे, जो 8 फरवरी हालिया 8 फरवरी जनरल इलेक्शन साल 2024 में जो मुंतखब हुकूमत हुई है, उस हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और क्या मुतालबा करना चाहते हैं नई हुकूमत से। अच्छा जी, आम इंतखाबात तो हो चुके हैं, अब जो नई हुकूमत बनने जा रही है उससे आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? हमारी तो यही उम्मीदें हैं कि वो महंगाई को कम कर दे। अच्छा जी, और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें नई हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जी, हम चाहते हैं कि भी मुल्क को रिलीफ मिले, को सामान सस्ता करें। जो पिछले माह 16 माह उन्होंने हुकूमत की है, वैसी हुकूमत ना हो, बेहतर हुकूमत हो। इन्हों तो की उम्मीदा नहीं, अगे ही है जो चोर ने, उन्होंने चोरों तो कोई उम्मीद हो सकती है? इन्हों तो कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद सी तो इमरान खान से उम्मीद सी। नवी हुकूमत बनने जा रही, उम्मीद है ये सू चाहिए हर शायद क्यों सस्ता सस्ता करना चाहिए। असं अपना कमाना तो अपना ही खाना जे, ये इंशाल्लाह क्योंकि महंगाई करी जाते हैं। बिल बिजली क्या है तो 20-30 हज़ार रुपये बिल भेजते पे ने, तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा भेजते पे ने। सानू गरीब बंदे ने अपना कमाना तो अपना ही खाना जे। हम नेक ख्वाहिशात के उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले हुकूमत के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छे इकदाम करें। सानू कोई उम्मीद नहीं किसी नहीं, ये जो महंगाई कम करेंगे या नहीं अल्लाह ही जानता, सानू इन्हां दिलचस्पी कोई नहीं। पापा, ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है ना, ये पंजाब की गवर्नमेंट क्या कहें हम आपको, लेडीज़ बैठ गई है तो बस अल्लाह पे भरोसा है। चलो ठीक है, उनको क्या पता है कैसे चलाना, क्या करना क्या नहीं करना। तो ये इस मुल्क का वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ है, चल रहा है निज़ाम, चल रहा है, इंसाफ होना चाहिए। जो भी है, लेडीज़ बैठी है, मर्द बैठा है, जो भी इस मुल्क में इंसाफ, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना रेट है, कोई किसी की पाबंदी नहीं है। रिश्वत सरेआम चल रही है, पैसे वो मांग रहे हैं, जो भी है सब पैसे मांग रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करने आपकी मेहरबानी है। भाईजान, हम रक्षा चलाते हैं, सारा दिन रिक्शे का चलान 2,000 रुपये का चलान है, मजदूर बंदे हैं, किधर से पूरा करें? गरीब बच्चे 13 अफराद घर वाले हैं, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे सारे हमारे घर में हैं, 13 जाने हमारे घर में, 13 को मैं चलाता हूँ खुद अलहमदिल्ला। यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, शिबरात का सामान लेने आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या करें भाई? हम मजदूर बंदे हैं, किधर से ले गए इतने पैसे? अच्छा, ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, इससे आपको तवक्कुआत क्या, उम्मीदें क्या हैं, आप नई हुकूमत से क्या मुतालबा करना जा रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं नई हुकूमत को, यही कह रहे हैं कि भाई मजदूर बंदे हैं, इनका कोई ख्याल करें। ठीक है, कुम्भाड़े बंदे इनका ख्याल करें, मेहरबानी है आपकी। इंशाल्लाह ये अच्छी हुकूमत है, ये बहुत कुछ करेगी गरीब इंसानों के लिए। अच्छा, हमारे साथ और भी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, या अपने क्या मुतालबा रखते हैं नई हुकूमत से। नई हुकूमत आज है इंशाल्लाह, कोई नहीं घबराने वाली, कोई नहीं, वो जो लोगों के काम ने पूरे करण, महंगाई खत्म कर देते, सही है, बिल्कुल बेहतर है, आवाम खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि महंगाई सारी बड़ी बीमारी है आवाम ने। नहीं, उम्मीद तो कोई भी नहीं लगाई हुई, क्योंकि जो ये हुकूमत है ना, इमरान खान ठीक था पहले तो, वो ये जो हुकूमत है, हमें उम्मीद तो कोई नहीं, ना मुतालबा है इनसे हमें कोई नहीं, तो फिर देखते हैं क्या होता है नई हुकूमत से। भाई, हमने क्या मुतालबा करना है, अब तो हमें तो अल्लाह से ही उम्मीद है, अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हमारे भी ख्याल रखे। हम सुबह के खड़े हुए हैं इधर, कस्टमर ही नहीं है, किसी के पास पैसा होगा तो वो आएगा ना यार। हमें हुकूमत से कुछ भी नहीं मुतालबा करना, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, वो भी राय चाहिए। इससे भाई कोई उम्मीद नहीं, ये लंगड़ी लूली हुकूमत है जो इनके पास जो सीटें नहीं आया, इमरान खान को इन्होंने धोखा दिया। ठीक है, अगर मेरिट पे काम करें तो इनके पास 30 सीटें भी नहीं आए, तो हमें इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है, तो इस इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर आएगा और मुल्क हमारा तरक्की करेगा। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आवाम को यही पैगाम है, हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये जो नून लीग है कुछ भी काम नहीं कर सकती, हमें इमरान खान के साथ पूरा भरोसा है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क में नई गवर्नमेंट हो या पुरानी हो, जौन सी भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में हमें इंसाफ चाहिए। हर तरफ घर घर गली गली
انصاف کے متعلقہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے، جبکہ ڈیوٹی جسٹ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پہ نہ کام کرے۔ ہمیں پہلے قوم کو انصاف چاہیے، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر کورٹ میں سپیڈی بیسس پہ انصاف ملنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں نئی گورنمنٹ کی، وہ چوری شدہ بنتی ہے یا بغیر چوری کے بنتی ہے، جیسے بھی بنتی ہے، وہ عوام کے جو وسائل ہیں ان کو انصاف پہ استعمال کرے اور قوم کو سپیڈی بیسس پہ آن دا ڈور اسٹیپ انصاف چاہیے۔ نئی حکومت سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ پسماندہ حالات میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ملک ہیں کے حالات ہیں جو بہتری کی طرف جائیں، پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے ان کو روزگار دیا جائے۔ پسماندگی کے یہ حالات ہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں رہ کر اپنا روزگار یہاں سے تلاش کریں، یہاں پہ رہ کے جابز کریں۔ ہم یہ پاکستان کا یہ نوجوان ہو کر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے، اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا خدا را سوچیں۔ پاکستان اس وقت بہت مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، پلیٹ فارم یہ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت اچھا کام کرے گی نون لیگ کی، وزیر اعلیٰ جو مریم نواز اچھی پروڈکشن دے گی وہ پنجاب کو۔ جیسا کہ آپ نے حافظ آباد کی عوام کے رائے سنی ہے، ہر ایک کی مختلف رائے ہے، لیکن زیادہ تر کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے، خدا را مہنگائی پر کنٹرول کرے۔